डेली लाइफ में आप सभी लोगों ने कुछ डेली यूज वाले कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य जरूर सुने होंगे। जैसे हम घर में थे या कोई सदस्य था और उसने बहुत सारे कपड़े धुले, बोले आज हमने बहुत काम किया, आज हमने बहुत कार्य किया। तुम बैठे रहे पढ़ने के लिए, पढ़ना भी एक काम ही है, हॉबी भी है, बोले हमने आज बहुत काम किया। फिजिक्स इसमें क्या कहता है? अगर तुमने 100 कपड़े भी धुल लिए, तुमने कहा हमने बहुत काम किया, तो फिजिक्स की दृष्टि से तो लगभग कार्य जीरो ही है। एक व्यक्ति अपने सिर में 100 किलो का बोझा उठाए, एक घंटा खड़ा रहा, बहुत काम किया। फिजिक्स की नजर में यह कार्य जीरो है। फिजिक्स कार्य को डिफाइन कैसा करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे ये सब एग्जाम्पल जो हमने दिए भी, इनमें हम फिजिक्स को बारीकी से ऑब्जर्वेशन में लगाएंगे तो कुछ रिजल्ट और भी आ सकते हैं। यह बात पूरे विश्लेषण के बाद ही देखेंगे। सबसे पहले वर्क को फिजिक्स किस प्रकार से डिफाइन करती है। फिजिक्स वर्क के लिए सिर्फ इतना बोलेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर रखी हुई है और उस ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया। क्या किया? फोर्स लगाया। और फोर्स लगाने पर वह ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल करके कहीं और चली गई। दिख रहे हैं? यह ऑब्जेक्ट कहां से ये देखो, सबसे पहले ये ए पर है और थोड़ा देर में कहां पहुंची? ये बी में। और इसमें सपोज कर लो ट्रेवलिंग डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस कहना सही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी है, विस्थापन। तो वर्क को डिफाइन करने के लिए हम कितना लिखेंगे? एफ इंटू डी, ये हो जाएगा वर्क। क्या हो जाएगा? वर्क, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि ये देखो, अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद सामने प्लेन नहीं था, प्लेन ना हो करके इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो न समतल, एक झुकाव है थीटा एंगल से, ठीक है, तो नेचुरली ये ऑब्जेक्ट अंदर तो जाएगा नहीं, थीटा एंगल से ही होकर के यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा मान लें
कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक्स है, कितनी मान ले बोलो एक्स है, या फिर यहां पर एस का कोई खास रोल नहीं है तो इसको एस ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से फोर्स को लगा है इस डायरेक्शन में। फिजिक्स वर्क को डिफाइन कैसा करती है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कार्य जो होता है वह बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब डायरेक्शन फोर्स का जिस तरफ हो उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फोर्स ऐसा लगाया और ऑब्जेक्ट यहां जा रही है। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति 100 किलो का बोझा उठाए, सर मैं खड़ा हुआ है अब चल ही नहीं रहा हूं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, ठीक है। इस वजह से उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह जीरो हो जाएगा। लेकिन रियल में जब बारीकी से हम देखें कि बोझा तो सरफेस में जाना चाहता है लेकिन उसको हमने उसके अगेंस्ट में, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बात हम करेंगे तो वर्क कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे मूवमेंट के डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो वर्क नहीं होगा, वह कैसा होगा? जीरो ही होगा। तो चलो इसको देखो, इस एग्जांपल को हमने फोर्स अप्लाई किया थीटा एंगल पर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो वर्क होगा वास्तव में कितना होगा बोलो? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होना चाहिए बोलो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हमने देखा कि ऑब्जेक्ट तो यहां गया है, कहां पहुंचा? उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल की है। यहां एस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट किसको ले रहे हैं? फोर्स के डायरेक्शन वाला चाहिए। तो यहां पर इसको हम क्या बोल सकते हैं? या फिर बोल सकते हैं थीटा एंगल पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो एस के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे हम। ट्राइंगल क्या होगा? ए बी सी। ट्राइंगल है ए बी सी और हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनस एंड बेस, मीन्स कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो फिर डी कितना आएगा बोलो जरा? एस इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ रहे हो अच्छे से? दिक्कत तो नहीं है? तो फिर लगा देते हैं W इज इक्वल टू F इंटू D की वैल्यू कितनी है? S cos थीटा, ठीक है। मतलब देखा जाए तो W का फार्मूला मिल जाएगा F S cos थीटा। क्या मिल जाएगा बोलो? F S cos थीटा। ये है वर्क के लिए फार्मूला। और बात हम करेंगे
इसकी यूनिट की अभी यूनिट की चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी फार्मूला के साथ हमें उसकी लिखना चाहिए। क्या सही लिखा है? बोले फिर फोर्स की क्या होती है? फोर्स की होती न्यूटन, ठीक है, और इसकी कितनी होगी बोलो? जूल होगी। क्या होगी? जूल, ठीक है। यहां दोनों ही यूनिट हम लिखते हैं, ये देखो यूनिट सबसे पहले कौन सी बोलो? एसआई। एसआई क्या होगी बोलो? जूल। जूल क्या हिंदी में भी लिख सकते हो? जूल ऐसा, ठीक है। और सीजीएस क्या होगी? आरटी। डायमेंशन फार्मूला बताते समय बताया था हमने, याद हो थोड़ा बहुत तो, आरटी, ठीक है। तो ये जूल और आर्गन रिलेशन निकाला होगा, अगर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जूल है किसकी? एसआई में है वर्क के लिए, और टीजीएस में क्या बोलो? आर्गन, याद रखोगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के हिसाब से भी मामले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखें इसको, हम थोड़ा मैथ से लेके जोड़ते हैं और ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का मतलब है, फिजिक्स की जो सोल है, आत्मा है, वो मैथ्स ही होती है, ठीक है। मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हम एक लाइन और खर्च करते हैं। ध्यान से देखो, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट एस क्या है? ये भी सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सदिश राशि, ठीक है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें, एफ वेक्टर डॉट, ये हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट तुमने अगर पढ़ा है, तो ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? तो यहां पर ए के बदले एफ है और बी के बदले कितना है? एस है। इसलिए एफ एस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहां पर टू टाइप के न्यूमेरिकल से हो सकते हैं एग्जाम में, कितने टाइप के? टू टाइप के। फर्स्ट टाइप, अगर मान लो कोई कह दे कि 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइंग ऑन 50 ग्राम बॉडी, 50 ग्राम तुमको यूं ही डाइवर्ट करने के लिए, कोई यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्राम का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, एम दिख रहा है नहीं क्या? ग्राम बोला उसने, मतलब एम की वैल्यू, तो बोल सकता है यूं ही तुमको थोड़ा मिसगाइड करने के लिए, भ्रम करने के लिए। तो उसने कह दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स है और 50 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 50 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे 30 डिग्री पर वो जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो अब देखना इसमें क्या क्या दिया है। इसमें हमको दिया गिवन फोर्स, फोर्स मतलब क्या है बोलो? एफ। कितना दिया इसने? 10 न्यूटन। अब उसने क्या दिया बोलो? एस, 50 सेंटीमीटर। कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया थीटा 30 डिग्री। वैसे तो उसने एम दिया है लेकिन एम का कोई रोल नहीं है, 50 ग्राम, क्योंकि फोर्स वर्क अपन कैलकुलेट करना है
क्या निकालना बोलो, वर्क। वर्क के लिए एफ एस और थीटा, ये तीन चीजें ही यूज होंगी, समझ रहे हो? तो ये देखो यहां पर हम अगर अप्लाई कर दे, लगा दे इसमें, देखो क्या हो जाएगा बोलो, क्या लिखा हमने फार्मूला बोलो, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है बोलो, क्या एस की लगा दें ये, क्यों नहीं लगाए कोई बताएगा? यस बिल्कुल सही है, सही जवाब, सिट डाउन। हमने बार बार कहा है कि हमेशा यूनिट्स जो है उनको चेक करना है, और यूनिट्स कैसी होना चाहिए, सेम सिस्टम में होना चाहिए, समान पद्धति में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये न्यूटन एसआई है और ये क्या है बोलो, सीजी है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटी की वैल्यू लगाएंगे। डायरेक्ट याद रखा करो, सेंटी का मतलब होता है 10^-2, तुम 100 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन हमने तुमको डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो फेमटो पे कोई सब बताया ये, ठीक है? तो सेंटी मतलब 10^-2, ठीक है, वो लगा दो, माने -2 मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है? कुल मिला के सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 100 किया अपन ने, इसको एक जीरो कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा, कितना आएगा 0.5, या फिर तुमको 0.5 नहीं लिखना है, कितना लिख सकते हो 5/10, या 1/ कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, क्योंकि अभी काटना पीटना तो पड़ेगा, हिसाब लगाएंगे तो, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते। चलो ध्यान से देखो कितना है यहाँ पर, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 1/2 cos थीटा 30 डिग्री, ठीक है? ये देखो कितना आएगा, इसको भी तुम चाहो तो काट सकते हो, ठीक है? 10/(1/2)cos 30 कितना होगा, 3/2, ठीक है? 2.5 आ जाएगा, ठीक है? अभी 2.5 और √3, चाहो तो √3 की वैल्यू लगा सकते हो, √3 या पूरा पूरा लगा सकते हो, चलो ऐसा मैं बता देती हूँ, ये देखो इसको बस काटा हमने, इसको नहीं काटा, ठीक है? √3/2 की वैल्यू पूरी सॉल्व करें तो 0.86 मतलब 1.7 लें अगर किसका, √3 का, और 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, इतना करीब आएगा, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और निकाल सकते हो, समझ रहे? तो इतने क्या जाएगा बोलो, जूल, इतना जूल, समझ गए? ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हुआ जिसमें सीधा सीधा दिया गया, तुम एफ दे दिया गया, एस दे दिया गया, थीटा दे दिया गया, और यूनिट जरूर चेक करना है, यूनिट एसआई है या सीजीएस, समझ गए? चलो एक टाइप का क्वेश्चन हम और बताते हैं तुमको, एग्जाम में आ सकता है। देखो कहा जाए कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जाता है और उसकी वैल्यू है आई कैप +2j cap + k cap, ठीक है, ये फोर्स है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह होता है 2i cap + 3j cap और + k cap, देख रहे हैं? तो यहां पर फोर्स मींस क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एस वेक्टर। अब हमारा फार्मूला क्या है बोलो, W = f·s होता है, तो हम f वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे i cap + 2j cap + k cap, और डॉट लगाया अपन ने, और बोलो
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट का रूल मालूम है, आई का आई से करना है टू आएगा, जे का जे से करना है सिक्स आएगा, ठीक है, तो 3 into 2, और के का के से करना है 1 आएगा, कितना आया बोलो 9, ठीक है, मतलब कितना आ गया बोलो ये 9 जूल। यहाँ पर जूल लिखना जरूरी नहीं है, अग भी हो सकता है, इसलिए क्या लिख दो यूनिट, क्या लिख दो बोलो यूनिट, क्योंकि अपने से पता नहीं है कि ये फोर्स जो है न्यूटन में दिया है कि अर्घ में दिया है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ना तो हम यहाँ जूल लिखें और ना ही अर्घ लिखें, सिर्फ क्या लिख दे यूनिट, भाई तुम जान लो तुमने दिया है, जो लिखना हो लिख लेना, हम तो यहाँ यूनिट लिख देते हैं बस, समझ गए बात को। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिना बताए, अगर बिना एक्सपीरियंस के बिना किए यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर हमसे बनते नहीं है, सोचते हैं इसमें क्या करें, अब हम कहाँ का आ गया, कैसा आ गया, बुक में भी नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कहा ना मैथ से जोड़ देते हैं, मैथ तो है फिजिक्स में, बनेगा सबसे अच्छे से। चलो तो इसको नोट करना है।